हेलो, नमस्कार दोस्तों. मैं पंकज बिजलानी फिर से आपका स्वागत करता हूँ. दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुंबई की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, कि वहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट हैं, लास्ट टाइम 2019 में क्या रिजल्ट रहे थे और इस बार कैसे रिजल्ट रहने वाले हैं. तो उसके ऊपर थोड़ा नहीं, मतलब इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले. मुंबई इंडिया का कमर्शियल कैपिटल है और वहाँ से जो भी पॉलिटिशियन निकलते हैं पूरे इंडिया पे इम्पैक्ट करते हैं. अगर मैं देखूँ हमारे जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, या फिर प्रीवियस सीएम उद्धव ठाकरे जी, सब मुंबई से आते हैं. यार, मुंबई समथिंग की महाराष्ट्र के लिए या पूरे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुंबई की ओवरऑल चुनाव सिनारियो और वहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट हैं, कौन कौन से एरिया से, और किसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब लास्ट टाइम के कंपैरिजन के हिसाब से. तो चलते हैं डायरेक्टली. मैं आपको सबसे पहले लेके आया हूँ मुंबई साउथ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी आप बोल सकते हो. और उसमें असेंबली में ये सब आते हैं, वर्ली, शिवडी, बायकला, मालाबार हिल, मुंबा देवी, कोलाबा. और अभी जो कैंडिडेट सामने हैं उसमें हैं अरविंद सावंत, जो उद्धव ठाकरे जी के गट के हैं, और जो शिंदे जी के गट से हैं, जो शिंदे जी की शिवसेना है, दोनों शिवसेना के कैंडिडेट हैं. यामिनी जाधव शिंदे जी की उसमें से हैं, और जो अरविंद सावंत हैं ये उद्धव ठाकरे जी के गट के हैं. लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो यहाँ पे लास्ट टाइम 2019 में अगर मैं बात करूं तो इसमें सावंत जी विजय हुए थे, जो शिवसेना में पहले तो एक ही शिवसेना थी और अभी फिर से वो खड़े हो रहे हैं. और जो मिलिंद दोहरा थे वो सेकेंड पोजीशन पे आए थे, और डिफरेंस था 1 लाख मतों का डिफरेंस था, जो बड़ा मत डिफरेंस नहीं है. बट इस बार देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सावन जी फिर से आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे, क्योंकि लास्ट टाइम भी उनको ही टिकट मिला था, ये आप देख सकते हैं. और इस बार भी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना से वो आ रहे हैं, और मिलिंद देवरा जो थे काफी मतलब चर्चित पॉलिटिशियन है कांग्रेस के, उनको भी टिकट मिला था बट वो हार गए थे ऑलमोस्ट 1 लाख वोट से. तो इस बार मतलब देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि साउथ मुंबई की जो पब्लिक है वो थोड़ा सा नेशनल कैंडिडेट देख के वोट करती है. तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार काफी कांटे का टक्कर होगा. जो यामिनी जी हैं शिंदे जी के गट से, उनको भी काफी वोट मिल सकते हैं, ऐसे मुझे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एजुकेटेड पॉपुलेशन है. और ये मैप है जो साउथ मुंबई का, ये जो मैंने कर्सर रखा हुआ है आप देख रहे हैं, ये पूरा साउथ मुंबई का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैप है. तो वन ऑफ द प्राइम एरिया है मुंबई का, और यहाँ पे से दोनों कैंडिडेट शिवसेना के. अभी चलते हैं साउथ सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो ये सब एमएलए हैं, अनुशक्ति नगर, चेंबूर, धारावी, ये सब एरियाज हैं. और ये सब एमएलए हैं नवाब मलिक, प्रकाश पातेर, पेकर, वर्षा गायकवाड़, तमिल शेलवान, कालिदास कोलमकार, सेडा सरवानकर, ये सब एमएलए के कैंडिडेट्स हैं. तो उसमें बीजेपी के पास दो हैं, शिवसेना के पास एक है, कांग्रेस के पास है, तो मिक्स है काफी क्राउड. बट हमें तो लोकसभा का देखना है, जो कि बहुत बड़ा इलेक्शन होता है. इसमें भी दोनों ही शिवसेना के, एक उद्धव ठाकरे जी के हैं और एक शिंदे गढ़ के हैं. तो इसमें जो शिंदे गढ़ से आ रहे हैं वो है राहुल शेवाली, राहुल रमेश शेवाली हैं शिंदे गढ़ से, और जो उद्धव ठाकरे के तरफ से आ रहे हैं अनिल देसाई. पर देखना रहेगा कि इसमें 2019 में क्या हुआ था. 2019 में राहुल शेवाले जीते थे ऑलमोस्ट 1.5 लाख मतों से, तो एक एज तो है ही उनके पास. और एकनाथ महादेव गायकवाड़ थे जो हार गए थे. तो इस बार
मुझे ऐसा लगता है फिर से इनके चांसेस आने के ज्यादा हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 1.5 लाख की मेजोरिटी उनके पास थी और अभी फिर से उनको शिवसेना की टिकट मिली है और नेशनल जो चेहरा है वो भी सेम है, मोदी जी है, तो इस बार भी इनके आने के चांसेस मुझे लग रहा है कि हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि 1.5 लाख काफी बड़ा मेजोरिटी था और मेजोरिटी स्टेक 20% था। अभी चलते हैं मुंबई नॉर्थ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये सब एमएलएज हैं, इसमें बीजेपी शिवसेना की मेजोरिटीज है, बट हमें तो लोकसभा के देखने हैं। और ये सारे एरिया है, विले पाले, चांदीवली, कोल्हा, कलीना, वानरे ईस्ट, वानरे वेस्ट। तो यहाँ पे वर्षा गायकवाड़, उज्जवल निकम, ये दो कैंडिडेट हैं। बीजेपी का कैंडिडेट है इसमें उज्जवल निकम और वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की तरफ से। अभी 2019 में दोनों ही कैंडिडेट अलग थे, एक पूनम महाजन थी और प्रिया सुनील दत्त थे। तो पूनम महाजन एक वेल नोन पॉलिटिशियन की डॉटर है, आपको तो पता ही होगा। और मतलब तो ये पूनम महाजन लास्ट टाइम थी जो प्रमोद महाजन की डॉटर है, इस बार उनको टिकट नहीं मिला है। इस बार टिकट बीजेपी ने दिया है उज्जवल निकम को, जो कि वेल नोन एडवोकेट है उज्जवल निकम, इनको टिकट मिला है। तो लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो काफी मतलब ठीक ठाक सी लीड मिली थी, 1.25 लाख की लीड मिली थी पूनम महाजन को बीजेपी की तरफ से। इस बार भी क्योंकि बिकॉज लास्ट टाइम 15% की लीड थी, तो इस बार भी उनके चांसेस मुझे लग रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। और ये है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल का मैप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, कर्सर जहाँ पे रखा हुआ है, और एग्जैक्ट भी मैप ये आ गया। अभी मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, उसमें ये सब आ जाता है, मुलुंड, विक्रोली, भांडुप वेस्ट, घाटकोपर वेस्ट, घाटकोपर ईस्ट, मानखुद, ये सारे एरियाज आ जाते हैं। और इसमें बीजेपी के तीन कैंडिडेट हैं, एसपी का एक है अबू आजमी, और शिवसेना के दो हैं, सुनील राउत हैं, रमेश कार, मतलब ये एमएलए हैं। बट हमें देखना है कि कौन अभी कंटेस्ट कर रहा है। वैसे अभी यहाँ से मिहिर कोटेजा को टिकट मिला है, मिहिर कोटेजा जी को टिकट मिला है, जो कि ऑलरेडी एमएलए हैं मुलुंड से, उनको यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है। और उद्धव ठाकरे गढ़ के जो कैंडिडेट है यहाँ पे, संजय दीना पाटिल, ये दोनों कैंडिडेट हैं। और लास्ट टाइम क्या हुआ था 2019 में वो भी देख लेते हैं। 2019 में मनोज किशोर भाई कोटक को टिकट दिया था बीजेपी ने, जिनको 1.25 लाख वोट मिले थे, और संजय दीना पाटिल को 2.75 लाख वोट ही मिले थे। तो पहले संजय दीना पाटिल शायद इसमें थे एनसीपी में, अभी वो उद्धव ठाकरे गढ़ की शिवसेना में गए, तो डिफरेंस बहुत है, 25% का डिफरेंस है। तो आप खुद सोच सकते हैं 25% का डिफरेंस है, तो कुटेजा जी का जीतने के चांसेस यहाँ पे इस बार भी मुझे लग रहे हैं ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी को काफी वोट मिले थे। और मनोज किशोर भाई कोटक, इनको इस बार टिकट नहीं दिया है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कोटेजा जी को कितने वोट मिलते हैं और पाटिल जी को कितने वोट मिलते हैं। बट डिफरेंस इज वेरी ह्यूज, 25% का डिफरेंस है। अभी बात करते हैं मुंबई लोकसभा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी की। यहाँ पे ये सारे एरियाज हैं, बोरीवली, दाहिसर, कांदिवली, मलाड, ये सारे हैं, और ये सब एमएलएज हैं बीजेपी की, मोस्टली एमएलएज हैं इसमें। तो इसमें देख लेते हैं, अभी दिया है पीयूष गोयल को, जो कि एक वेल नोन पॉलिटिशियन है बीजेपी की तरफ से, उनको टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से, और भूषण पाटिल को टिकट मिला है। 2019 में बीजेपी को बहुत बड़ी लीड थी यहाँ पे, ऑलमोस्ट 50% की लीड थी, 7 लाख वोट में से 7 लाख वोट मिले थे गोपाल चिन्नया शेट्टी को, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, और उर्मिला मातोंडकर जो एक्ट्रेस है उनको 2.5 लाख वोट मिले थे।
इस बार मुझे तो लगता है कि इतने बड़े लीड है, 5 लाख का तो लीड है बीजेपी के पास वहां पे, तो फिर से बीजेपी के आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं नॉर्थ मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी आते हैं थाने, जो कि एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिकॉज यहाँ से जो सीएम भी, मतलब सीएम का गढ़, अभी जो सीएम है शिंदे जी का, वो गढ़ माना जाता है थाने। अभी यहाँ से उद्धव ठाकरे गढ़ को जी के जो कैंडिडेट हैं राजन बाबूराव वेचारे, उनको टिकट मिला है, और शिंदे जी के गढ़ से नरेश गणपत मस्के को टिकट मिला है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो शिवसेना को 7.5 लाख वोट मिले थे, और एनसीपी आनंद परांजपे को 3.25 लाख वोट मिले थे। यहाँ पे भी 35% का मार्जिन है फ्रेंड्स, मार्जिन इतना है ना, मतलब आप पकड़ लीजिए बीजेपी इज वेरी प्लस, अगर मैं 2019 में देखूं, और मार्जिन उनका है 20%, 30%, 35%, तो कितना वोट शेयर चेंज होगा ये, मतलब वोट शेयर चेंज होता है 10-15-20%, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी को एक एज जरूर है मुंबई में, मुंबई की जितनी भी सीट्स हैं उसमें बीजेपी आने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, या बीजेपी के जो अलायंस हैं जैसे शिंदे गट है, या खुद बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नरेश गणपत मस्के के आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अभी चलते हैं कल्याण, कल्याण में ये सारे एरियाज आते हैं, अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण ईस्ट, डोंबिवली, कल्याण वेस्ट, मुंबई, मुंब्रा कालवा। और यहाँ से अभी जो कैंडिडेट हैं, ये शिंदे जी जो सीएम है उनके बेटे ही हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे और वैशाली दरेकर राणे, जो उद्धव ठाकरे गढ़ के। तो यहाँ पे भी जो लास्ट ईयर लास्ट टाइम श्रीकांत शिंदे को ऑलमोस्ट 5,60,000 वोट मिले थे, और बाबा जी बालाराम पाटिल जो एनसीपी के थे उनको 2,15,000 वोट मिले थे। अगेन 40% मेजोरिटी है इनकी, मतलब 40% से ज्यादा जीत का अंतर है, 38.68, तो बहुत बड़ा अंतर है। तो एक एज रहेगा श्रीकांत शिंदे जी को, क्योंकि लास्ट टाइम ये जीते थे 3.5 लाख वोट से, और उसके पहले भी जीते थे, 2014 में भी जीते थे, तब ये 2.5 लाख मतों से जीते थे, इस बार ऑलमोस्ट 3.5 लाख मतों से जीते हैं। और तो काफी ही, मतलब, और उसके पहले भी शिवसेना के ही कैंडिडेट थे, तो दिस अगेन लुक लाइक कल्याण भी काफी पावरफुल सीट है श्रीकांत शिंदे जी के लिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी 3.5 लाख वोट्स का उसमें ऑलरेडी डिफरेंस है। तो ये सब सीट जो मैंने आपको दिखाई, कल्याण, थाने, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई साउथ, ये सारी सीट्स मैंने आपको दिखाई। इसमें मेजोरिटी सीट्स में तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास एक एज है, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है, 25% का डिफरेंस है, कहीं कहीं 40% का है, कहीं 35% का है, कहीं 15% का है, कहीं 20% का है। तो कांटे की टक्कर तो नहीं रही है लास्ट इलेक्शन में, इस बार देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आप कमेंट करके बताइए व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है कि कौन सी सीट में आपको लगता है कि कांटे की टक्कर होगी, या बीजेपी को, या जो शिंदे बीजेपी अलायंस है, जो बीजेपी मुंबई में तो चल रहा है, उनको कोई बीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आप मुझे बताइए। मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि डिफरेंस इज ह्यूज, बहुत बड़ी मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है 2019 में, तो डिफरेंस अगर कम भी करें तो भी बीजेपी ऑलरेडी हैविंग अ एज। तो दोस्तों ये था मुंबई लोकसभा के बारे में जो भी डिटेल मैंने आपके सामने शेयर की, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, कुछ भी मैं आपको इनपुट्स दे पाया हूँ तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, और वोट देने जरूर जाइए, मैंने भी अपना वोट कंटेस्ट किया है, यू एन सी। सो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।